हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो लेट्स सी हु वांट्स टू डेट यू। कौन है जो आपको डेट करना चाहता है? इट कुड बी एनीवन बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। कलेक्टिव रीडिंग है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी स्टार साइन है, कोई भी एज है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, ठीक है? सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। पॉजिटिव रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम पे गाइज मुझे मस्ट फॉलो करिए बिकॉज मैंने वहाँ पर लाइव सेशन भी स्टार्ट करने हैं। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन माई लाइव सेशन फ्री रीडिंग्स, उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ स्टे पॉजिटिव, लेट्स सी हु वांट्स टू डेट यू। लेट्स सी कौन डेट करना चाहता है व्यूअर्स को, हु वांट्स टू डेट यू। सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड यूज करूंगी ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए या क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि उसका स्टार साइन हो क्या होगा। वी हैव मर्करी, माइंड एंड स्पीच। दिस पर्सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन गाइस। मर्करी इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मर्करी इन जेमिनी हो सकता है इस पर्सन का। फिफ्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस पर्सन का। देन वी हैव नेपच्यून, ड्रीम्स एंड स्पिरिट। दिस पर्सन इज अ वेरी बिग ड्रीमर, काफ़ी ज़्यादा लाइक की पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे कि पर्सन में काफ़ी ज़्यादा एक पैशन है, एक एक्साइटमेंट है, काफ़ी एंथ्यूजिज्म है ये पर्सन में, काफ़ी पॉजिटिविटी है ये पर्सन में। ड्रीमर हो सकता है ये पर्सन, लाइक ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाला पर्सन मुझे दिख रहा है। यस, माइंड एंड स्पीच, ये पर्सन माइंड रीडर भी हो सकता है, हो सकता है लोगों के दिमाग पढ़ता है। साइकोलॉजी से रिलेटेड भी इस पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है, मे बी दिस पर्सन कुड बी अ साइकोलॉजिस्ट। ये पर्सन कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है, मे बी ये पर्सन कोई बहुत ज़्यादा स्पीच वगैरह करता है जिसको आप डेट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है। इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन वाला काम है, या तो ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है बिकॉज मर्करी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन में एक पैशन है, काफ़ी ज़्यादा एक लाइक यंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। एनर्जी यंग हो सकती है, एज कुछ भी हो सकती है। ओके, या नाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू डेट यू। ओके, वी हैव दिस वन एंड वी हैव दिस वन, दो कार्ड आ चुके हैं, दो ही लेने थे। लेट्स सी, वी हैव इट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन एंड अदर। नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन एंड अदर इज अबाउट टू डीपन, लव कंक्वायर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। इस टाइम जो है ये आपको जो डेट करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। यस, या बिकॉज इस टाइम ये अपने आप पे फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, अपने आप को बहुत अच्छे वे में एक चेंजिंग्स लेकर आ रहा है ये पर्सन। बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स के किसी इंसान के साथ अगर कनेक्शन बनाना है, लव रिलेशनशिप बनाना है, लव कनेक्शन बनाना है, तो उससे पहले इस पर्सन को खुद तो अपने ऊपर पूरा कमांड होनी चाहिए कि एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, टोटली हीलिंग होनी चाहिए, टोटली बैलेंस एनर्जी होनी चाहिए इस पर्सन की, तभी तो ये पर्सन अच्छे से फोकस कर पाएगा जिसके साथ डेट में जाएगा या जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। तो दिस ऑल द थिंग्स आर गोइंग इन दिस पर्सन लाइफ। यस, बिकॉज ये अभी जो है पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है अपना टाइम जो आपको डेट करना चाहता है। मुझे लगता है इस टाइम इस पर्सन का ये पीरियड चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। नो, पहले टैरो से नहीं देखते, पहले यहाँ से देख लेते हैं कार्ड से। ओरेकल कार्ड्स यूज करूंगी मैं, येन एंड येन ओरेकल कार्ड्स। हु वांट्स टू डेट यू, व्यूअर्स को कौन डेट करना चाहता है यूनिवर्स का के लिए। हु वांट्स टू डेट यू, हु वांट्स टू डेट यू। वी हैव ग्रोथ समर, देन वी हैव स्टेबिलिटी हार्मनी फ्लो।
Then we have change, courage. Then we have cosmic purpose. आपका पर्पस गाइज सेम है. आई फील आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हो. यहाँ पे ये मुझे एनर्जी भी दिख रही है. इस टाइम आप दोनों का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है गाइज, आपका और ये पर्सन जो आपके साथ कनेक्शन में जाना चाहता है उसका. वी हैव शेडो साइड मून एंड द डार्क नाइट. इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर हो सकता है. कैंसर पाइसिस. दिस इज द पर्सन जो के आप लोगों को लेकर इस पर्सन के भी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं. ये पर्सन आपके किसी तरह से कोई जानने वालों में से भी हो सकता है. लाइक हो सकता है ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो जो आपको डेट करना चाह रहा है. बिकॉज दिस पर्सन फील्स के आप काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो. यहाँ तो आप लोगों में खुद काफी ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है. काफी चेंजिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है. आपने अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल कर लिया अपनी लाइफ में. दैट्स वाई इनको लग रहा है आपका और इनका पर्पज एक सेम है. आप सेम जर्नी में हो सकते हो. आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है दोनों का एक दूसरे के साथ. ये आपको ग्रो करते इस पर्सन ने देखा है जो आपको डेट करना चाहता है. दैट्स वाई ये खुद भी इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और ये खुद भी आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है. बिकॉज दिस इज द पर्सन जिसने आपको ऑलरेडी आप जानते हो इस पर्सन को इतना मैं आपको बता सकती हूँ. लेकिन ये पर्सन वो है जिसने आपको अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं की है. शेडो साइड है इस पर्सन की द डार्क नाइट. ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है. सीक्रेट क्रश हो सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी टाइम से फीलिंग्स रखता है. रिलेशनशिप बनाना चाहता है लेकिन इस टाइम इसने अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइड की हुई हैं. अनकन्फेस सिचुएशन है यहाँ पे. बिकॉज इसको लगता है शायद आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो या फिर आप काफ़ी चेंज हो चुके हो या फिर आप लोग सेम पेज पे नहीं हो. बट नाउ ये पर्सन आपके साथ आपके लेवल पे आने के लिए आपके साथ सेम पेज पे आने के लिए टोटली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और अपनी लाइफ में आपका जो पर्पस है उस पर्पस के साथ अपने आप को अलाइन करने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि ये आपके साथ हार्मनी बनाना चाहता है. या तो आपको लाइफ में काफी ज्यादा स्टेबल देख रहा है या फिर ये खुद स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है. बट दिस इज द पर्सन हु हैव एंड कीपिंग एन आई ऑन यू. इस पर्सन की नजर आपके ऊपर है लेकिन कन्फेस नहीं किया हुआ अभी कुछ भी क्योंकि इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. दैट्स व्हाई. एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी. हु वांट्स टू डेट यू. यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी फ्रॉम द टैरो. Who wants to date you? Viewers guide करिए. Viewers को कौन date करना चाहता है. Okay. We have page of pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have the star. Aquarius. Number 17 important and number 8. Then we have seven of wands. Yeah. यहाँ तो आप लोगों ने already इस person को block किया हुआ है. यहाँ फिर I feel बहुत ज़्यादा challenging situation है यहाँ पर. मुझे लग रहा है यहाँ पर guys ये person वो है जिसको आपने block किया हुआ है. दैट्स वाई मैंने आपको पहले बताया कि ये वो पर्सन है जो कि आप इसको जानते हो. कुछ लोगों की तरफ से ऐसी सिचुएशन दिख रही है शेडो साइड से. एंड विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स दिस इज द पर्सन जिसने आपको ऑलरेडी आपको चीट किया है या किसी तरह से आपको आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली है झूठ बोले हैं आपसे. बट अभी आप लोगों ने उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है. ठीक है आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको हर्ट किया और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है. बिकॉज स्टिल दिस पर्सन वांट्स यू. ये पर्सन अभी भी स्टिल होप में है. स्टिल इस पर्सन की विश है कि आपके साथ जो है आपको डेट करें. लेकिन ये पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता है बिकॉज जो भी इन्होंने किया है ये उन चीज़ों पर आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं ताकि आपको डेट कर सकें. क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है. यहाँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है. इसको लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो. आप लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है. बट ये आपको वापस चाहते हैं और ये आपसे माफ़ी मांग के अपोलॉजी करके ये आपको ऑफर करना चाहते हैं डेट करना चाहते हैं आपके साथ. बिकॉज स्टिल कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हो क्योंकि स्टार की एनर्जी है. स्टिल दिस पर्सन हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड ये विश कर रहा है इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू आप हो. बिकॉज आप काफ़ी यूनिक हो. आप जैसा पर्सन शायद इस पर्सन ने अपनी लाइफ में अभी तक देखा नहीं है इसको मिला नहीं है. दैट्स वाई ये पर्सन आपको चाहता है. इसको पता है ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं या जो भी कनेक्शन में चैलेंजेस लेकर आया है वो इस पर्सन ने खुद किया है.
क्योंकि इसने आपसे झूठ बोले, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं। सो बेसिकली अभी शायद इस पर्सन को पर्पज़ मिल चुका है कि आप दोनों का कोई ना कोई लाइफ का पर्पज़ है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आप नहीं हो सकते एक दूसरे से जुदा, दैट्स वाई आपको डेट करना चाहते हैं। 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 11, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 8, 28 डेट ऑफ बर्थ एज हो सकती है इनकी। Then we have 7 of swords. I already told you this person is a cheater. जिसने आपको चीट कर दिया पहले, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गया था। यहाँ तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, रिलेशनशिप की स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा था, या फिर ये पर्सन आपसे अवॉइड कर रहा था कम्युनिकेशन। बट अभी जब आप लोगों का टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चले गया, या फिर आपने या इसने आप ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक सिचुएशन क्योंकि दिख रही है, तो ये पर्सन अब वापिस आपके पास आना चाहता है। इसको लग रहा है अभी भी कुछ बाकी रह गया है इसका आपके साथ कनेक्शन में, दैट्स वही आपकी तरफ आना चाहता है। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट जिसको ये रिजोल्व करना चाहता है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड। या ये पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक किया है, बहुत बुरी तरह से आपका ट्रस्ट ब्रोक किया है, बट अभी ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं और ये आपको डेट करना चाहता है। बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर किया इस पर्सन ने आप लोगों के साथ, क्योंकि ये पर्सन ने कोई ना कोई माइंड गेम्स खेली हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है ये पर्सन दोबारा माइंड गेम खेलेगा और आपसे माफ़ी मांग के आपको डेट करना चाहेगा। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपने डेट करना है नहीं करना, ये टोटली आपकी अपना डिसीजन है, ठीक है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है इस पर्सन की। मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इट मीन्स इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है इस टाइम, इसीलिए इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। बिकॉज मे बी मुझे लग रहा है ये पर्सन को भी किसी ने हर्ट किया है, और वैसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है कि इस पर्सन के किसी के साथ वैसे भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इसीलिए आपके पास वापस आना चाहता है। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 5, 15 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21, 25 एज हो सकती है, कुछ लोगों की 30 प्लस भी दिख रही है। बट दिस पर्सन इज मेंटली इमेच्योर, ये मेंटली बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, मेंटली मेच्योर अभी भी नहीं है ये पर्सन, ठीक है। और अगर ये वापस आके आपको डेट करने की कोशिश करता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन कोई ट्रस्ट के लायक है आपके, या फिर ये पर्सन कोई मेच्योर एक्ट करेगा आने वाले टाइम में। दोबारा भी ये पर्सन इमेच्योरिटी कर सकता है, और दोबारा भी आपको यू नो चीट कर सकता है कोई ना कोई ट्रिक्स खेल के। बट फिर भी आपका अपना डिसीजन है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस टाइम ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पर्सन स्टिल होपफुल है, स्टिल पर्सन दिस हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स के आप इसको मौका दोगे, इसकी अपोलॉजी भी एक्सेप्ट कर लोगे और आप डेट भी करोगे इसको। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।